नमस्कार, सत हिंदी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ पर बड़ा आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 3 हुए घायल। बताया जा रहा है कि मोटर सवार 2 नकाबपोश आतंकवादी आए और सीआरपीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर में 2 आतंकवादी हुए ढेर। 3 तलाक पर बिल लाएगी केंद्र सरकार, पहले के अध्यादेश के प्रावधान ही रहेंगे बिल में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी। आगरा की कचहरी में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव की गोली मारकर हत्या, 2 दिन पहले ही उनको इस पद पर चुना गया था। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान अचानक अधिवक्ता मनीष ने पिस्तौल निकाली और दरवेश पर 3 गोली चला दी, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस ने किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाएंगे किर्गिस्तान, आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वीवीआईपी विमान ओमान, ईरान और मध्य एशियाई देशों से किर्गिस्तान के बिश्केक जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले हम विमान को ले जाने के 2 विकल्पों पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के रास्ते नहीं जाने का फैसला लिया गया है। मुसलमानों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार की 5 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देने की योजना पर अखिल भारतीय संत समिति ने जताई नाराजगी, कहा देश के 8 राज्यों में हिंदू भी हैं अल्पसंख्यक, तो क्या उनको भी मिलेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। सरकार को चिट्ठी लिख अल्पसंख्यकों की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग की। 15 जुलाई की सुबह 2:51 पर चंद्रयान 2 को लॉन्च करेगा इसरो। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि हमारे लिए इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा है चंद्रमा की सतह पर सफल और सुरक्षित लैंडिंग कराना। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आएगा। मदरसों को मुख्य धारा से जोड़े जाने के सवाल पर बोले सपा नेता आजम खान, कहा मदरसों से गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग नहीं निकलते। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को यह घोषित करना चाहिए कि नाथूराम के विचारों को जो फैला रहे हैं वो लोकतंत्र के दुश्मन हैं और उनको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। नीरव मोदी की जमानत याचिका को लंदन कोर्ट ने किया खारिज। 4थी बार कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को किया है खारिज। 86 दिनों से लंदन की कोर्ट में बंद है नीरव मोदी, 19 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। गुजरात की तरफ बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान वायु, 36 एनडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। 170 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात से टकराएगा तूफान वायु, पर्यटकों को ले जाया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर। सरकार अभी तक खाली करा चुकी है 500 गांव। उत्तर प्रदेश में शामली में पत्रकार को जीआरपी पुलिस ने जमकर पीटा, पत्रकार ने पुलिस पर लगाया मुंह में पेशाब करने का आरोप। कहा जा रहा है कि पत्रकार डेरेल हुई ट्रेन की कवरेज करने गया था, तभी पुलिस ने उसका विरोध किया और मारपीट शुरू कर दी। बीजेपी की कार्य समिति का गठन, मोदी चुने गए लीडर ऑफ द पार्टी तो राजनाथ सिंह बने डेप्यूटी लीडर। इसके अलावा राज्यसभा में थावरचंद गहलोत को लीडर ऑफ द पार्टी चुना गया और पीयूष गोयल को डेप्यूटी लीडर चुना गया। अमिताभ बच्चन ने चुकाया बिहार के 2100 किसानों का कर्ज, इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए दी। बता दें पहले भी अमिताभ बच्चन ने यूपी के 1000 से ज्यादा किसानों का लोन चुकाया था। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 193.65 अंक फिसल कर 39,756.81 पर रहा, तो निफ्टी 48.30 अंक गिर कर 11,917.30 पर हुआ बंद। विश्वकप में जारी ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 49 ओवर में 307 रनों पर समेटा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया था फैसला। अब तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत हिंदी.com के साथ।